जय हिंद। सीपीसीटी 16 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोस्तों इंटरनेट से संबंधित है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इस तरीके से फुल फॉर्म और कई प्रकार से अलग अलग तरीके से पूछता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हैंड आउट मास्टर व्यू में फुटर एरिया कहाँ स्थित प्रदर्शित होता है? पेज के नीचे वाले भाग में। दोस्तों हमें जो प्रैक्टिकल कराते हैं, जैसे हम पेपर कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ में हम प्रैक्टिकल भी करते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपको पावर पॉइंट ओपन करके और उसका प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि ये हैंड आउट मास्टर क्या होता है और इसमें कहां पर होता है। ये देखिए हैंड आउट मास्टर, आपने ये देखा नीचे फुटर एरिया, ऊपर का जो होता है सर हमारा हेड है तो हेडर होता है, और पैर जो है हमारे फुट मतलब फुटर होते हैं, मतलब हेडर और फुटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संख्यात्मक डेटा न्यूमेरी डेटा के लिए डिफॉल्ट क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आउट अलाइनमेंट क्या है? तो दोस्तों दाई और राइट। अब देखिए यहां पर हमने यहां सॉफ्टवेयर को ओपन किया और इसको ओपन करने के बाद में हमने कंट्रोल सर्कल से बड़ा कर लिया। संख्यात्मक न्यूमेरिकल जो होता है वो किधर सेट होता है? यहां हमने एबीसीडी लिखी है, ये किधर सेट है दोस्तों? लेफ्ट साइड। और हमारा जो मतलब ये अल्फाबेट है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं ये फर्स्ट पॉइंट, और अब सेकंड पॉइंट है हमारा 1 2 3 लिखा हमने, तो ये राइट साइड जाके मतलब दाई और बाई ओर, तो हमारा ये राइट साइड जाके क्या हो गया है? सेट हो गया है। तो हम यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी करते जाते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी वीडियो अच्छे अच्छे आपके पास आ सके। जो भी बिल का टोटल होता है, नंबर होता है, वो सारी चीजें दोस्तों राइट साइड होती हैं, बाकी सारा डाटा हमारा लेफ्ट साइड में सेट होता है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, या रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का संक्षिप्त रूप क्या होता है, या रोम से क्या तात्पर्य है, ये सब चीजों में पूछा जाता है। रीड ओनली मेमोरी। निम्न विकल्प में से किस में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स किस प्रिंटर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं? तो प्लॉटर के द्वारा। प्लॉटर के द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स निकाले जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले नंबर पर आता है जोड़, एडिशन, घटाओ, सब्ट्रैक्शन, विभाजन, डिवीजन, गुण, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा जोड़ घटाना गुणा भाग सब किए जाते हैं ALU के द्वारा। अगले नंबर पर आता है हमारा डेटा स्रोत में एक फील्ड का नाम बदलते समय निम्न में से समान किस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाती है? तो स्पेस बार। स्पेस बार की अनुमति नहीं दी जाती है। किसकी दोस्तों? स्पेस बार की, मतलब जो अनुमति रहती है वो स्पेस बार नहीं देना होता है। निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है? इक्वल CHR, लेन, लेफ्ट, राइट, ABS। ABS कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। यहां पर हम एक्सेल चालू करके आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि CHR क्या है, लेन क्या है और राइट क्या है। तो दोस्तों एक्सेल हम पहले से ओपन कर रखे हैं। इक्वल लेन, लेन में क्या होता है, आपने यहां से किसी शब्द को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अब इसमें जितने भी टोटल शब्द होंगे 5, 4, 9 और एक स्पेस 10, 10 यहां पर गिनती आ गई है। अब बात करते हैं हम अगले वाले की। इक्वल LEFT, लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सेलेक्ट किया, कोमा, कितने 2 शब्द चाहिए आपको? तो RI मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड के 2 शब्द। ऐसे दोस्तों राइट प्रेस करेंगे तो राइट के आ जाएंगे।
इक्वल सी एच ई आर प्रेस किया ब्रैकेट स्टार्ट 65 किया ब्रैकेट बंद किया कैपिटल ए आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये सी एच आर है ये हमारा जीरो से लेकर मतलब एक से लेकर 255 तक इसमें न्यूमेरिकल अल्फाबेट नंबर गुणा भाग चिन्ह सिंबल छोटी वाली एबीसीडी रोमन जो सारी गिनती है आप इसमें चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 65, 66, 67, 68, 9, 10 तो ऑटोमेटिकली ए बी सी डी फिर जब 26 खत्म होंगे तो उसके बाद दूसरी चीज चालू हो जाएगी छोटी हो जाएंगी इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। निम्न में से क्या नेटवर्क और प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंडियन कार्ड पर हाई कोड करता है उसे मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है हमारा नेटवर्क प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है नेटवर्क इंडियन इंटरफेस कार्ड पर हाई कोड किया जाता है। खालिस्तान एक प्रोटोकॉल और यूआरएल का भाग है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर रिसोर्स का एक्सेस करने के लिए किया जाता है उसे HTTP या HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। निम्न में से क्या वेब पेजों को एक दिए गए यूआरएल से प्रारंभ करके उसमें एम्बेडेड लिंक तक कॉल करता है उसे स्पाइडर कहा जाता है। एम्बेडेड की लिंक्स को स्पाइडर कहा जाता है। निम्न में से क्या मल्टीप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है तो URL, UIs, UC मतलब यूजर इनपुट टाइम को न्यूनतम करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उद्देश्य नहीं है। जितना टाइम इतना लगना है उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर समान किसी भी सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। समान कंप्यूटर किसी भी यूजलिंग सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स की एक वृद्ध श्रेणी नहीं है बार चार्ट है पाई चार्ट है टेम्परेचर चार्ट नहीं है लाइन चार्ट भी है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सेल खोला इंसर्ट पे गए चार्ट पे गए लाइन है कॉलम है पाई है बार है एरिया है स्केटर है लाइन है स्टॉक है एक्स बाय है डॉकनेट है पाई है सारे चार्ट हैं लेकिन टेम्परेचर चार्ट जो होता है वो नहीं होता है। 11 प्रकार के हमारे चार्ट होते हैं। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है निम्न में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं तो फायरवॉल। दोस्तों फायरवॉल हमारे हार्डवेयर भी हो सकते हैं हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। माउस की बाई कुंजी दबाए रखने पर स्लाइड के आसपास मूव कराने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं तो ड्रैगिंग। दोस्तों मूव कराने वाले जाले वाले शब्द को ड्रैगिंग कहा जाता है। जैसे इस तरीके से आप प्रैक्टिकली यूज पे देख पा रहे हैं। निम्न में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ये तो हो चुका है दोस्तों ड्रैगिंग कहलाता है कुंजी स्लाइड मूव करने के लिए ड्रैगिंग कहलाता है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें मोर वीडियो के लिए। डिजिटल कैमरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का डिवाइस है तो डिजिटल कैमरा दोस्तों इनपुट डिवाइस है जो कैप्चर करता है फोटो को। यदि आपके कंप्यूटर पर कई विंडो खुली हुई है उनको सबको एक साथ बंद करना है तो विंडो के साथ में एम्प्रेस कर दीजिए इसमें कोई दोहरी राय नहीं है। हम हमारे YouTube चैनल पर सारे वीडियो कंप्लीट हैं शॉर्टकट की के आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल एम कुछ नहीं है यहाँ पर विंडो एम है आपने विंडो एम जैसे ही आप प्रेस करेंगे सारी विंडो आपकी एक बार में मिनिमाइज हो जाएगी। एक खालिस्तान ऐसा प्रोग्राम है जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेज से डेटाबेस में से खोजता है उसे सर्च इंजन कहा जाता है। मतलब खालिस्तान एक ऐसा ब्राउजर है जिस सर्च इंजन से हमारे को खोजा जाता है। गुणन अंकगणितीय संकारक मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होते हैं तो दोस्तों गुणा गुणा इसको दोस्तों इंटू बोले तो चिंटू कहा जाता है। इसमें इस तरीके से इंटू नहीं होता है इसमें इस तरीके से होता है आप आंसर निकल जाएगा लेकिन ऊपर वाला जो है वो करेक्ट नहीं है ये लिखा आंसर आ जाएगा लेकिन समस्या करके आएगा। ये देखिए 2×2=4 आ गया है लेकिन अब यहाँ पर इक्वल टू
स्टार प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली बिगर कोई समस्या के आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ये देखिए समस्या क्रिएट करता है, तो ये ऑपरेशन करेक्ट नहीं होता है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते हैं। अगले नंबर पर आता है इंटरनेट और प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिट न्यूमेरिकल एड्रेस होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है वो यूनिक न्यूमेरिक जो हमारा एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस कहलाता है। निम्न में से किस टेक्नोलॉजी में से एक अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस सेंट्रल यूनिट से जुड़ी होती है उससे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। निम्न में से किस टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस सेंट्रल यूनिट जुड़े होते हैं उसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। खालिस्तान सबसे समान प्रकार की ऑडियो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर सबसे समान ऑडियो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से किस हार्ड डिस्क में अनावश्यक फाइल्स की पहचान करता है और उन्हें तभी हटाता है जब यूजर अनुमति देता है उसे डिस्क क्लीनअप कहते हैं। ये देखिए यहां से हमने इसको मिनिमाइज किया, कंप्यूटर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, कंप्यूटर को ओपन करेंगे। दोस्तों कंप्यूटर पर ओपन करने के अंदर किसी भी एक डिवाइस पर यूजर पर डिस्क पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और देखिए डिस्क क्लीनअप, डिस्क को क्लीन करने के लिए अनावश्यक चीजों को हटाने के लिए जो कि टेम्परेरी फाइल वगैरह होती है उसको एक बार में आप सारी चीज डिलीट कर सकते हैं उसे डिस्क क्लीनअप कहा जाता है। ये आप आपके कंप्यूटर में बार बार कर सकते हैं जिससे आपका कंप्यूटर अच्छा चलता है। शब्दों की एक सूची जिसमें एक उनके पर्यायवाची और विलोम शब्द भी होते हैं जिनमें में से किस रूप में जाना जाता है उसे निरासस, ये यहाँ पर गो लिखा आपने और रिव्यू पर गए। थीसारस, दोस्तों ये थीसारस होता है ये हमारा इससे रिलेटेड मतलब और क्या क्या कहा जाता है। एमएस वर्ड को हमने चालू किया और यहाँ पर रिव्यू पे चलेंगे। हमने कंप्यूटर के वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम की वजह से दे नहीं पा रहा है, आप इसको यूज करके देखेंगे तो यहाँ पर गो से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं सबको निकाल देगा। गो, लीव, एग्जिट, आउट, गेट अप और सेट अप, मतलब जितने भी जाने वाने वाले होते हैं, भागने वाले, जाने वाले, दौड़ने वाले, मतलब उसका ये मतलब बता देता है, उससे रिलेटेड शब्द को बता देता है। जैसे जल, पानी, वाटर, नील, आंसू, ये सारी चीजें इस तरीके से ही है। अगले नंबर पर आता है डेटा संग्रहण करते समय गणना करने के लिए कंप्यूटर निम्न में से किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है उसे बाइनरी शब्द कहते हैं। जीरो और वन बाइनरी नंबर का उपयोग करता है जिसमें सिस्टम उपयोग करता है डेटा को निम्न में से किस सिस्टम नंबर का प्रयोग करता है तो उसे हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। जीरो और वन जो हमारे होते हैं वो हमारे बाइनरी नंबर कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमको मोटिवेट करता है। निम्न में से क्या फाइल की ऐसी प्राथमिक कुंजी है जो दूसरी फाइल के साथ प्रवेश करती है उसे फॉरेनर कुंजी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए खालिस्तान कुंजी का प्रयोग करते हैं तो एंटर का। दोस्तों हम यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी यूज करते जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिकल जल्द से जल्द और अच्छा समझ में आता है। जैसे ये कोई शब्द लिखा हमने और शब्द को लिखने के बाद में हम एंटर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, डॉट एंटर करने के बाद में तो ये हमारा पैराग्राफ चालू हो जाता है। कंप्यूटर में एक स्व प्रतिरूपकारी सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस होता है जो फाइल्स में कोई परिवर्तन नहीं करता है लेकिन एक्टिव मेमोरी में उपस्थित रहता है और स्वयं प्रतिरूपी बनाता है उसे वर्म वायरस कहा जाता है। वर्म वायरस क्या होता है दोस्तों, फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बनाते जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे, मतलब प्रतिलिपि स्वयं बना लेता है। खालिस्तान एक वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग में जाने वाला कंप्यूटर भाषा उसे जावा कहते हैं, मतलब वेब आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जावा कहलाती है। पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़कर निम्न में से क्या बनाया जा सकता है। नेटवर्क, कंप्यूटर को आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद निम्न में से कौन सा प्रोग्राम धनराशि को ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेट की तरह कार्य करता है, उसे स्प्रेड शीट बोले तो एक्सेल कहा जाता है। एक्सेल में दोस्तों गुणा भाग के प्रोग्राम जो होते हैं वो हम यूज करते हैं और उसमें काम होता है कोई भी गुणा भाग कैलकुलेशन की जितनी भी वर्क प्रक्रिया होती है वो हमारी एक्सेल पे ऑपरेट होती है। यहाँ पर दोस्तों सीट ओपन करके हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली सीट डिलीट हो चुकी इसलिए ओपन नहीं हो रही है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम चलो ये हो गया है, एक लंबी सी पट्टी जो एक विंडो को बिल्कुल दाएं और नीचे स्थित होती है, जो कि विंडो व्यूइंग एरिया को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कराती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्कॉलर वार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये किए हैं और हम सॉफ्टवेयर में ओपन करके दिखाते हैं, देखिए ये लेफ्ट राइट वाला स्कॉलर है और ये ऊपर नीचे वाला ये देखिए ये वाला है, ये लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन आप कर सकते हैं स्कॉलर से, पेज ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट करने के काम में आता है, स्कॉलर बार कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पंक्ति रो और कॉलम स्तंभ को परस्पर छेद मतलब क्रॉस करते कहलाता है, खालिस्तान कहलाता है, सेल कहलाता है। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को एक सेल कहते हैं। कई सारी सेल मिलकर एक टेबल बनाती हैं और कई सारी टेबल मिलकर एक सीट बनाती हैं और कई सारी सीट मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं, जिसे हम सीट इलेक्ट्रॉनिक स्पीयर सीट या स्पीयर सीट कहा जाता है। ये जिसमें लिखा है ये सेल है। किसी फाइल की विशेषताओं प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस एक्शन क्या होगा, तो राइट क्लिकिंग हमारा प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे हमने राइट क्लिक करके इस तरीके देखिए यहाँ से प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है एक पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। दोस्तों तो बच्चे उनको पता है कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट करने के लिए वर्ड में जितना भी डाटा है सारे डाटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक के लिए उपयोग होती है। दोस्तों निम्न में से क्या वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, दोस्तों जेपीईजी ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप या ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये दोस्तों पी जो है MP4 ABI है QT है JPEG ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप, ये हमारा JPEG का आता है, फोटोज का एक्सटेंशन नेम है। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम फाइल्स के लिए साइज को कम कर देता है ताकि उसे डिस्क, तो दोस्तों संपीड़न या विंजिप कहते हैं, जो कि ये देख रही आप इस तरीके से यहाँ पर ये विंजिप या आर्चिप कहलाता है, जिससे हमारी फाइल का साइज छोटा हो जाता है, जो कि मेल वगैरह करने के लिए उसमें एक लिमिट रहती है 25 MB, उस फाइल को शेयर करने के लिए इस फाइल को साइज कम किया जाता है। इंटरनेट एक्सेस कोई एक विधि जिसे लिए फाइल की आवश्यकता होती है लेकिन वायर डायल आपकी तुलना में तेज गति करता है, उसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आता है जब हम ये नोटिफिकेशन बार है यहाँ पर शो होता है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा प्रैक्टिकली विद थ्योरी, सारी चीज हम कंप्लीट करते हैं ताकि सही तरीके से समझ में आ सके। प्रिंट कमांड एक्सेस करने के लिए निम्न में सामान्यतः है फाइल को चुना जाता है, तो फाइल के अंदर आप जाएंगे, फाइल में हम प्रिंट कमांड, जो कि फाइल दोस्तों दूसरे सॉफ्टवेयर में आती है 37 में, 7 में ऑफिस बटन आती है जिसके अंदर से हम इसको चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम फाइल कहते हैं। निम्न में से क्या ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के मरम्मत पद्धति रिपेयर मेथड है जो इंटरनेट पर होती है उसे पेज कहते हैं, कि बिना किसी शुल्क के उपलब्ध है उसे हम पेज कहा जाता है। निम्न डिवाइस को प्रयोग सामान्य नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। गेटवे से नेटवर्क्स को आसमान से नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे गेटवे कहा जाता है। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग करके आने वाले पैकेट्स प्राप्त करने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे राउटर कहा जाता है। तो दोस्तों उपयोग करने वाले पैकेट्स प्राप्त करने वाले उनका विश्लेषण करने और उनकी स्थान पर कहा जाता है। एक
एडमिनिस्ट्रेटर खाली स्तर में प्रयोग करके फाइल और फोल्डर्स की सुरक्षा के स्तर में वृद्धि कर सकता है, उसे हम इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर का प्रयोग करके इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम कहा जाता है। IBM कीवर्ड में सिस्टम में रिक्वेस्ट SYRQ कुंजी का प्रयोग आरंभ करने के लिए किया जाता है। लो लेवल इवेंट SYRQ कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS Excel में एक्टिव सेल के ऊपर वाली सेल में दूसरी सेल में या फॉर्मूला बार पर एक फॉर्मूला कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस कोमा का प्रयोग फाइल में एक्सेल के फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई अपने फॉर्मूला लिखा है तो उसको आप डायरेक्टली शॉर्टकट की से कॉपी कर सकते हैं और दूसरी जगह उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में फॉर फॉन्ट सेल्स फॉर्मेट सेल डायलॉग्स को खोलने के लिए निम्न में से कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट सेल डायलॉग्स कुंजी के लिए खोलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये इसमें भी कंट्रोल शिफ्ट एफ हम प्रेस करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग्स ओपन हो जाएगा। ये 2010 2012 15 20 लिखकर आपको गुमराह किया जाता है, आपको डराया जाता है कहीं आप गलत टिक ना कर दें। डेटा मार्कर का क्या अर्थ है? एक डेटा पॉइंट के नाम का एक ग्राफिक प्रस्तुतिकरण करता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम फाइल की स्टोरेज की आवश्यकता और भौतिक स्थान जहां इसे संग्रहित किया जाता है के बीच में मैपिंग को उपलब्ध कराता है, उसे व्यवस्थित रखता है, उसे फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। फाइल मैनेजमेंट कहा जाता। एक कीबोर्ड एक्सटेंड सिलेक्शन मोड को एक्टिवेट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F8 दोस्तों हमारे जो प्रोग्राम होता है उसको चलाने विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तब, या उसे एक एक्सटेंड मोड मतलब सेफ मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, इस तरीके से मोड में चेंज करने के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। एक्सेल के में डिफॉल्ट चार्ट हमारा कॉलम चार्ट होता है, मतलब दोस्तों वर्ड हो या एक्सेल हो उसमें जो स्पष्ट सबसे सामने आता है पहले नंबर का चार्ट ही कॉलम चार्ट होता है, तो यहाँ पर उसको एक अलग तरीके से डिफॉल्ट किया गया है। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग GK वगैरह स्टार्ट होते हैं, ये आप पढ़ के इसको आप उपयोग करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और दोस्तों के सामने वीडियो शेयर करते रहिए। वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के सामने शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।